और आपको बताएं कि जुलाई में टैरिफ बढ़ाने के बाद टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर कम होना जारी है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई में करीब 82 लाख ग्राहक गंवाए हैं। तो किसे फायदा हुआ है और किसने सब्सक्राइबर को गंवाया है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। तो असीम, जानना चाहेंगे कि जुलाई में जो टेलीकॉम डेटा है वो कैसा रहा है? जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने मोबाइल दरों में बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों के अंदर हुई थी। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़ाए थे। तो इस बढ़ोतरी का असर सीधे सीधे उनके ग्राहकों के ऊपर दिख रहा है। उनके ग्राहकों की संख्या कम होने लगी है। जुलाई में भी टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहक गंवाए थे और अब ट्राई ने अगस्त महीने का डाटा जारी किया है। अगस्त में भी टेलीकॉम कंपनियों ने 82 लाख ग्राहक गंवाए हैं। सबसे पहले भारतीय एयरटेल ने 24 लाख, वोडाफोन आइडिया ने 18 लाख और रिलायंस जियो ने करीबन 40 लाख ग्राहक गंवाए हैं। इस टैरिफ की में बढ़ोतरी का फायदा सरकारी कंपनी बीएसएनएल को सबसे ज्यादा हुआ है। बीएसएनएल लगातार ग्राहक जोड़ रही है। अगस्त के अंदर कंपनी ने 25 लाख नए ग्राहक बनाए हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जुलाई में करीबन 1,36,00,000 लोगों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन किया था, जबकि अगस्त में यह डाटा बढ़कर के 1,46,00,000 हो गया है। इसका यह मतलब है कि जिन भी लोगों के पास पहले 2 सिम थे, अब टैरिफ बढ़ने के बाद वो अपने 1 सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सस्ते ऑपरेटर है उसके ऊपर अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं। आगे भी ये ट्रेंड टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी रह सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए।